So we will also discuss a numerical related to it, capital structure. Whenever we talk about the capital structure, we always refer a public limited company. So what is the meaning of capital structure? The proportion of debt and equity in the total capital of the company, the total capital employed of the company, total capital employed in a company is named as capital. This is my simple version definition. Very simple. Ek company mein kitna paisa equity ka laga hai, kitne hamare long term debt hai, means borrowing hai. उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो कलेक्टिवली कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाती है. द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ कंपनी. डन. मान लो 25 लाख क्या है, इक्विटी है, और 20 लाख या 30 लाख क्या है, डेट है. इट मींस कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की कितनी हुई, 55 है. कितना पैसा टोटल कंपनी में शेयर होल्डर्स और लॉन्ग टर्म डेट्स का लगा है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आती है, कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर दैट हाउ मच डेट्स एंड हाउ मच इक्विटी अ कंपनी शुड रेज. हमारा अकाउंट्स का रेशियो एनालिसिस चैप्टर हमें ये सिखाता है, डेट शुड बी डबल देन इक्विटी. अगर आपको याद हो हम डेट इक्विटी रेशियो वहां पे निकाला करते थे और उसका स्टैंडर्ड रूल ऑफ थंब क्या था, 2:1, मींस डिबेंचर्स और डेट, लॉन्ग टर्म डेट कैन बी डबल देन इक्विटी इन ऑर्डर टू गेट द एडवांटेज ऑफ टैक्स डिडक्टेबल नेचर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट. जो लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो प्रॉफिट में से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, जिसके कारण हमारे टैक्स के पेमेंट में क्या हो जाती है, सेविंग हो जाती है. सो इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल नेचर ऑफ इंटरेस्ट, वी प्रेफर टू रेज डबल debentures or debt in comparison to equity. So we will learn about this in further paragraphs. अगर आपका ध्यान पहले फॉर्मूले पे जाए, जब आप बुक खोलो 250 पेज पे उसने फॉर्मूला बनाया हुआ भाई डेट ओवर इक्विटी का, तो इस फॉर्मूले के बारे में हम पहले से ही जानते हैं. तो कैपिटल स्ट्रक्चर का अगर कोई पूछे कैसे डिसाइड करना है, सो वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी. याद होगा आपको रेशियो एनालिसिस में डेट का मतलब क्या होता था, लॉन्ग टर्म डेट विच इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इक्विटी का मतलब क्या होता था, शेयर होल्डर फंड्स. अगर मैं और इसे प्रिसाइज करूं तो डेट का मतलब क्या है, बोरोड फंड्स लॉन्ग टर्म, और इक्विटी का मतलब क्या है, ओनर्स फंड्स विच इंक्लूड्स इक्विटी प्रेफरेंशियल कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस. सो लाइक दैट वे ही इज रिलेटिंग इट विद न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. लेट्स सी व्हाट योर बुक इज सेइंग. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट्स टू फाइनेंसिंग पैटर्न क्या होना चाहिए. अल्टीमेटली इतने सारे नॉन करंट एसेट्स आपने खरीदने हैं, इतना सारा आपको पैसा चाहिए होगा, वो पैसा आएगा कहाँ से, मींस हमारा फाइनेंसिंग पैटर्न कितना होना चाहिए. क्या इक्विटी डेट के कंपैरिजन में डबल होनी चाहिए कि डेट इक्विटी के कंपैरिजन में डबल होनी चाहिए. दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन विच अ फाइनेंशियल मैनेजर टेंड्स टू टेक, एंड राइट टाइम पे आपने ये डिसीजन लेना है, मेरे कितने डेट होने चाहिए और कितनी इक्विटी होनी चाहिए. राइट. On the basis of ownership, the sources of, तो हमारे पास दो तरह के sources रहते हैं. One is what? Owners fund, and other is what? Borrowed funds. On the basis of ownership, the sources of business finance can be broadly categorized into two parts, that is owners funds and borrowed funds. Owners funds में क्या आता है, equity share capital, preferential capital, reserve and surplus और retained earnings. सबको पता है, ये हमने accounts में भी सीखा हुआ. Borrowed funds में क्या आता है, public deposit, debentures and even bank loan. Long term पे अगर आपने bank loan लिए हैं, so that is also the part of, उसने et cetera लिख दिया ना, I am telling you et cetera में क्या आएगा, bank loan, long term bank loan. और ये जो loan आपने लिए होते हैं, financial institution, debenture holders, banks और public से लिए होते हैं. अब अगले paragraph में he is telling you the meaning. Capital structure is a mixture of debt and equity in the total capital employed of a company. मतलब एक proper blend होना चाहिए आपका, कितना proportion debt का है और कितना proportion equity का है. When you decide the proportion of debt and equity, it means you are referring the capital structure. It can be calculated as debt over equity. Proportion पता चल जाएगा आपको. Debt and equity differ significantly in cost and riskiness of the firm, for the firm. किसमें risk ज्यादा है भाई? मेरे हिसाब से डेट में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट पे करना आपकी लायबिलिटी रहता है और आपके लिए कंपलसरी भी है उनको टाइम के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करना.
ठीक है, इक्विटी के ऊपर डिविडेंड पे करना इज नेवर अ कंपल्शन फॉर यू, राइट? सो इन दैट केस आपने ये देखना है कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके लिए सस्ता है, वो आप ज्यादा रेज करोगे। अगर मैं डिबेंचर की बात करूं तो हम हमेशा एक्सेप्ट रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर्स आर ऑलवेज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग पे तो आपको इंटरेस्ट देते ही नहीं हूँ। डिबेंचर्स पे अगर देते हो तो आपको टैक्स में सेविंग मिल जाती है, बिकॉज डिबेंचर इंटरेस्ट इज ऑलवेज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन दैट मैनर वी कॉल द डिबेंचर्स आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो वेन एवर यू डिसाइड कि मैं इक्विटी ज्यादा रेज करूं कि डिबेंचर्स ज्यादा रेज करूं, उस केस में आपने उन दोनों चीजों का कंपैरिजन करना है, वन इज कॉस्ट एंड अनदर इज रिस्कीनेस। द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म, कॉस्ट ऑफ डेट कम रहती है इक्विटी के कंपैरिजन में। हाउ? लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल रिस्क बेयरर। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, वो भी कंपनी की विश पे डिपेंड करता है, तो डिविडेंड स्किप भी हो सकते हैं। लेकिन लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म बिकॉज द लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क। जितना ज्यादा मेरे लेंडर को रिस्क बेयर करना पड़ेगा उतना उसकी एक्सपेक्टेशन कंपनी से ज्यादा होगी। लाइक मैं शेयर होल्डर से एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द कंपनी बिकॉज दे आर द एक्चुअल रिस्क बेयर। कभी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो आप उन्हें डिविडेंड नहीं देते हो, इसलिए वो डिविडेंड की परसेंटेज ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट द लेंडर्स, जिनसे मैंने बॉरविंग की फॉर्म में पैसा लिया है, उनका रिस्क ना के बराबर है बिकॉज दे विल बी गेटिंग देयर मनी बैक, दे विल बी गेटिंग द रेगुलर इंटरेस्ट। इवन इफ द कंपनी इज रनिंग इनटू लॉसेस, इवन देन द इंटरेस्ट इज सपोज टू बी पेड टू देम। सो आप अंदाजा लगाओ कि किसके लिए ज्यादा रिस्की है, किसको ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, बोरोड्स को कि ऑनर्ड फंड्स को। सो आई हैव बोरोड फंड्स इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स और लोन एटसेट्रा, आई हैव ओनर्स फंड्स। सो ओनर्स को ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा क्या है, महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है कंपनी से। लेकिन हमारे लेंडर्स को कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि उनको रिस्क नहीं बेयर करना पड़ता, निग्लिजिबल रिस्क होता है उनके केस में, इसलिए दे नेवर एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द कंपनी। सिंस द लेंडर्स अर्न्स एन एश्योर्ड रिटर्न, जैसे मैंने बोला कि 10% डिबेंचर्स है तो हर साल मैं उन डिबेंचर होल्डर्स को 10% इंटरेस्ट दूंगी। मैंने बैंक से 5% इंटरेस्ट पे लोन लिया है तो हर साल और हर मंथ मैं उन्हें टाइम पे इंटरेस्ट पे करती रहूंगी, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी पे होती रहेगी। सिंस द लेंडर्स अर्न्स एन एश्योर्ड रिटर्न and repayment of capital, उनका पैसा भी उन्हें वापस मिल जाता है, therefore they should require a lower rate of return. Additionally, interest paid on debt, underline करो, is a deductible expenditure. मैं अभी practical में करवाऊंगी what is the meaning of deductible expenditure. When you calculate tax, आप पहले interest की payment करते हो, tax की payment करते हो, interest की payment करते हो, और क्या है, before interest and tax. इंटरेस्ट की पेमेंट करने से आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम प्रॉफिट के ऊपर आप कम परसेंटेज ऑफ टैक्स दोगे, ठीक है। सो इन दैट वे विच इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट। तो जितना हो सके आप अपने डिबेंचर्स का और लॉन्ग टर्म बोरविंग का प्रपोर्शन इक्विटी के कंपैरिजन में ज्यादा रख सकते हो। आगे उसने लाइन लिख भी दी, ही इज नॉट कॉलिंग इट चीपेस्ट बिकॉज चीपेस्ट इज रिटेन्ड अर्निंग, डिप्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट विच यू डिड इन योर प्लस वन क्लास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, क्योंकि आपका अपना सेल्फ जनरेटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस है, आपने किसी को इसे रिटर्न नहीं करना, तो आप इसके ऊपर किसी को इंटरेस्ट भी नहीं देते हो, इसलिए वो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर मैं चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करूं तो डेट, डेट इज चीपर बट इज मोर रिस्की फॉर अ बिजनेस बिकॉज द पेमेंट ऑफ लेंडर के लिए लेस रिस्की है बट बॉरोअर के लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, ज्यादा रिस्की है, क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट करना कंपल्शन होता है। Because the payment of interest and return of principal is obligatory. Otherwise, debenture holders company के against case भी कर सकते हैं. So time के ऊपर interest की payment करना, principal amount को भी return करना is always on the part of company. So that's why from company's point of view, it is a risky source of finance. अगर आप इन obligations और commitments में कोई भी default करते हो तो आपके company को liquidate भी किया जा सकता है, means court की तरफ से आपकी company को बंद करने का order भी मिल सकता है। बट वेन वी सी इक्विटी, आप सबको पहले दिन से सिखाया होता है दैट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नेवर अ कंपल्शन ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। देयर इज नो सच कंपल्शन इन केस ऑफ इक्विटी व्हिच इज देयरफॉर कंसिडर्ड रिस्कलेस फॉर द बिजनेस। हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, तो जरूरत से ज्यादा मतलब 3 times more और 4 times more देन इक्विटी, इतना बर्डन भी अपने बिजनेस पे नहीं बनाना। जितना ज्यादा आप डेट बढ़ाते जाओगे उतना आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको उतना ही ज्यादा पे करना पड़ेगा। आपने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बेस बनाना है, जितने इंटरेस्ट को आप अपने प्रॉफिट में से कवर कर सकते हैं सिर्फ उतना ही डिबेंचर रेस करना, एंड फॉर दैट वी कैन गो विद आईसीआर ऑल्सो। आगे जाके फैक्टर्स जब वो डिस्कस करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करने के, तो ही विल बी रेफरिंग आईसीआर। रेशियो एनालिसिस चैप्टर का आना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मोर डेट्स यू कैन रेज, लोअर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यू कांट अफोर्ड टू रेज मोर डेट। सो दीज आर फ्यू थिंग्स यू विल बी कीपिंग योर माइंड बिफोर डिसाइडिंग कि मेरे को डिबेंचर और लॉन्ग टर्म बॉरोइंग कितनी रेज करनी है। फाइनेंशियल रिस्क का मीनिंग यहाँ पे बता रहा है वो, फाइनेंशियल आ सकता है, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल रिस्क, और इट इज अ चांस वो लाइन उठा सकता है, इट इज अ चांस दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन, इट इज अ फाइनेंशियल रिस्क। व्हेन यू फेल टू पे योर इंटरेस्ट टू योर लेंडर्स, इट मीन्स कि आपका फाइनेंशियल रिस्क है। तो जरूरत से ज्यादा कभी भी डिबेंचर नहीं रेस करना, बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन। आपने जो एक्सपेक्टेशन लगाई है, मान लो उतनी सेल नहीं होती, उतना प्रॉफिट नहीं होता, तो आप इंटरेस्ट इतना ज्यादा कहां से पे करोगे। तो एक इंटरेस्ट को पे करने के लिए हो सकता है आपको और लोन लेना पड़े। सो बेटर टू अवॉइड दैट सिचुएशन, डोंट गो मोर विद द डेट, जितना जरूरत है उतना ही डेट रेस करो। सो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इफेक्ट्स बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। डिबेंचर ज्यादा रेज करोगे, ज्यादा इंटरेस्ट पे करोगे, प्रॉफिट का एक पार्ट तो आपने अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट की फॉर्म में दे दिया, और बाकी क्या बचा, उसमें से डिविडेंड भी देना है आपने, रिजर्व्स भी बनाने हैं। सो दिस ऑल थिंग इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। सो दैट्स व्हाई ही सेज कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन को भी इफेक्ट करती है और फाइनेंशियल रिस्क को भी इफेक्ट करती है। मोर डेट मीन्स मोर फाइनेंशियल रिस्क, बिकॉज यू हैव टू रीपे देयर प्रिंसिपल अमाउंट, यू हैव टू पे द रेगुलर इंटरेस्ट टू देम ऑल्सो। अब मैं आपसे एक बात करूंगी, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सी होती है जिसमें ना इक्विटी जरूरत से ज्यादा है ना डेट जरूरत से ज्यादा है। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर ब्लेंड, अ प्रॉपर मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी। एंड व्हेन आई से प्रॉपर ब्लेंड ऑफ डेट एंड इक्विटी, देन ऑलवेज माय आंसर इज इट शुड बी 2:1। डेट शुड नॉट बी मोर देन डबल ऑफ इक्विटी। डेट कैन ओनली, वी कैन अफोर्ड ओनली टू हैव डबल ऑफ डेट इन कंपैरिजन टू इक्विटी। So what he says, optimal word, देखो paragraph 251 page पे, a capital structure will be said to be optimal when proportion of debt and equity is such that it results in an increase in the value of equity shares. Optimal capital structure वो होगी जब आपकी equity shares का value बढ़े, और value बढ़ने का मतलब क्या है, जब आपका profit बढ़े। जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा आप ज्यादा डिविडेंड पे करोगे, बैठे बैठाए आपके शेयर्स का मार्केट प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। मींस शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़नी चाहिए, जो हम डे वन से इस चैप्टर में कर रहे हैं। और जब कोई मेरे को राइट प्रपोर्शन पूछता है कि राइट प्रपोर्शन डेट और इक्विटी का कितना होना चाहिए हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में, देन माई डायरेक्ट आंसर इज डेट शुड बी डबल देन इक्विटी। द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। Like liver is very important for the proper functioning of my body, ठीक है। इसी तरह से जो accelerator और गाड़ियों में leverage होता है, वो leverage गाड़ियों की smooth functioning में उनकी help करता है। Similarly, हमारी companies में financial leverage होता है। Financial leverage means the part of debt in the total capital of the company is also named as financial leverage. आगे जाके इसी term को हम trading on equity भी कहा करेंगे। Equity के साथ डिबेंचर कितने रेस किए जाएं कि ईपीएस बढ़े। हाउ मच डिबेंचर्स आर टू बी रेस विद इक्विटी सो दैट ईपीएस अर्निंग पर शेयर शुड इंक्रीज। सो दैट कॉन्सेप्ट फॉर्मली वी कॉल ईदर फाइनेंशियल लीवरेज और वी कॉल इट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दैट पॉइंट एंड आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एक्स कंपनी वेयर बाय दैट कंपनी रेजेस डेट, ठीक है, और किस लेवल तक उसने डेट रेज करने हैं कि उसका अर्निंग पर शेयर बढ़े। सो लेट्स अज्यूम फ्यू सिचुएशंस। आई एम टेकिंग द केस ऑफ एक्स कंपनी। इससे रिलेटेड उसने न्यूमेरिकल की कुछ फिगर्स चेंज करके ऐसे ही डाला टेबल में, और आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंपनी के कितने डेट होने चाहिए, कितनी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी को उनको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। लाइक दैट वे ही फ्रेम्ड द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस डाटा। आप पहले समझिए इस टेबल में उसने हमें क्या सिखाया। चाहो तो अमाउंट चेंज कर देना, लेकिन चेंज करने से हो सकता है कि एंड में जो रिजल्ट हमें चाहिए वो ना मिले, तो बेटर है इस फिगर्स को क्रैम कर लेना। आसानी से क्रैम हो जाती है फिगर्स। डन।
सो दिस इज केस ऑफ, कुछ अजम्पशन लेके मैं चलूंगी, केस ऑफ एक्स कंपनी, एक्स लिमिटेड, एक्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है. सो आई एज्यूम कंपनी को पैसा चाहिए, फंड्स रिक्वायर्ड 30 लाख, फंड्स रिक्वायर्ड 30 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मार्केट में चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ईच शेयर इज ऑफ ₹10, मतलब फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में किया होगा ना, ईच शेयर फेस वैल्यू इज या नॉमिनल वैल्यू इज ₹10. डन. टैक्स रेट मार्केट में ये भी अजम्पशन लेंगे 30% चल. अब इस कंपनी को ओवरऑल 30 लाख रुपए की जरूरत है, कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? कंपनी के पास पहला केस है कंपनी नो डेट, कंपनी डेट रेज नहीं करती, इट मींस की सारी इक्विटी, फुल इक्विटी. पहली ऑप्शन कंपनी के पास ये, ठीक है. पहला केस हमने क्या अजम्पशन ली, कंपनी ने डिबेंचर बिल्कुल नहीं रेज करे, सारी की सारी इक्विटी रेज करे. जब कंपनी ने डिबेंचर नहीं रेज करे तो कंपनी इंटरेस्ट भी नहीं पे करेगी, मींस कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क 0 के बराबर है. डन. सेकंड केस में कंपनी के पास एक और ऑप्शन है कि 10 लाख के डेट रेज कर लो और 20 लाख की इक्विटी. तो यहां पे डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या हुआ, 1:2. मेरा एक्सट्रीम पॉइंट क्या है कि मैं डेट डबल कर सकती हूं, ठीक है. तो थर्ड केस कंपनी ने क्या लिया, तीनों केसेस का कंपनी एनालिसिस करेगी, देन कंपनी विल सेलेक्ट एंड वी विल टेल द कंपनी, वी विल रिकमेंड द कंपनी गो विथ फर्स्ट सेकंड और थर्ड केस, किसके साथ जाना चाहिए कंपनी को. थर्ड केस 20 लाख के डेट कर दो, वही ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हो गई जब डेट आपकी डबल है इन कंपैरिजन टू योर इक्विटी और 10 लाख की इक्विटी. अब इस सारे सीन को एंड आई अस्यूम कंपनी के पास एबिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख था, दिस इज ऑल्सो माई अजम्पशन, ठीक है. कंपनी का एबिट है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज 4. सो विद ऑल दिस वेरी इजी टू रिमेंबर, आमतौर पे सारे क्वेश्चन में शेयर कैपिटल में 10 रुपए ही फेस वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है. 10% डिबेंचर का इंटरेस्ट मान के चले हैं, 30 लाख कंपनी को फंड चाहिए, 4 लाख कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, ठीक है. सो विद दिस वी आर प्रोसीडिंग. यस, नाउ आई विल बी मेकिंग अ टेबल. आपके बुक में उसने इस टेबल का नाम दिया एबिट / या -hyphen ईपीएस एनालिसिस. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर का हम एनालिसिस कर रहे हैं, रादर इट इज एन इफेक्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इक्विटी के साथ मैं कितने डिबेंचर रेस करूं कि मेरा ईपीएस बढ़े, ठीक है. सो दिस इज इफेक्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, रादर पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम विल बी ऑफ फर्स्ट केस, मैं जब डेट नहीं रेस किया तब क्या सिचुएशन होगी, सेकेंड जब 10 लाख के डेट रेस किए, एंड थर्ड जब हम लोगों ने 20 लाख के डेट और 10 लाख की इक्विटी रेस करी, ठीक है. कॉलम्स के नाम रख लो, दिस इज फॉर पर्टिकुलर्स, विजिबिलिटी है, यस. पर्टिकुलर्स फर्स्ट केस, हाँ मैंने ऐसे ही लिखा ना, फर्स्ट केस, दिस इज सेकेंड केस, दिस इज थर्ड केस. आई विल स्टार्ट विद एबिट, पहले मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगी, फिर मैं टैक्स माइनस करूंगी, जो बच जाएगा वो शेयर होल्डर्स के लिए होगा, उसमें से हम लोगों ने कंपनी को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, राइट. चलिए देखते हैं, आई एम स्टार्टिंग विद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इन ऑल द 3 केसेस, इट इज 4 लाख, क्लियर. अकाउंट्स में रेशियो एनालिसिस में उसने हमें क्या सिखाया, पहले इंटरेस्ट पे करो. सो इंटरेस्ट, पहले केस में डिबेंचर है ही नहीं, इट मींस कि पहले केस में कोई इंटरेस्ट नहीं. दूसरे केस में 10 लाख के डिबेंचर हैं, 10 लाख के डिबेंचर्स के ऊपर 10% इंटरेस्ट 1 लाख. तीसरे केस में 20 लाख के डिबेंचर्स हैं, 20 लाख का 10% मतलब 2 लाख इंटरेस्ट, राइट. सो आई एम डिडक्टिंग द इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं, स्लैश पहले केस में 10 लाख इंटरेस्ट, दूसरे में डबल कर दिया आपने डेट तो 2 लाख इंटरेस्ट हो गया. अब जो आपके पास आया उसे मैं लिखूंगी अर्निंग, ई ए आई, अर्निंग ए का मतलब आफ्टर, आई का मतलब इंटरेस्ट, बी टी, बी मतलब बिफोर, टी मतलब टैक्स. अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, 4 का 4 लाख, क्योंकि जब आपने इंटरेस्ट ही नहीं पे करा तो सारे का सारा प्रॉफिट आपके पास है, राइट. 3 लाख आपने 1 लाख इंटरेस्ट पे किया, यहां पे 2.
अब हमने टैक्स की परसेंटेज कितनी अस्यूम करी हुई है, 30%। पहले केस में देखना, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 120, 90। पहले दो बॉक्सेस का एक कंपैरिजन देखो। इफ यू आर नॉट इशुइंग डिबेंचर्स, यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट 1,20,000। वंस यू स्टार्टेड इशुइंग डिबेंचर, यू आर पेइंग लेस अमाउंट देन दिस। 1,20,000 आप पहले केस में इंटरेस्ट पे टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, जब आप डिबेंचर्स बिल्कुल इशू नहीं करते हो, सारी की सारी इक्विटी रखते हो। 90,000 आप टैक्स पे करोगे जब आपने 10,00,000 के डिबेंचर इशू कर दिए। दिस इज द केस दैट इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। टैक्स की कैलकुलेशन करने से पहले आपने इंटरेस्ट माइनस किया तो 4,00,000 से प्रॉफिट कितना रह गया, 3,00,000। अब 4,00,000 पे टैक्स नहीं लगा, 3,00,000 पे, और 3,00,000 का 30%, 90। आपने और ज्यादा डिबेंचर बढ़ा दिए, आपका प्रॉफिट कितना रहा, 2,00,000। 2,00,000 का 30% 60,000। सो हाउ मच सेविंग इफ यू शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट केस टू सेकेंड, यू हैव 30,000. If you directly shift from first to third case, you are having the saving of 60,000. I have given a very minute example or minor amount. Had it been of 4 crore, मान लो आपका profit ही 4 crore का होता, 4 crore में से 1 crore minus कर देते तो 3 crore रहता, 3 crore का 30% तो आप 90,00,000 tax pay करते, और यहाँ पे आप पहले pay कर रहे थे 1,20,00,000, so you will be having the benefit of 30,00,000. When I talk about a public limited company, they always play the game in billions and millions. So you can have the huge saving once you decided to raise more debentures in your capital structure, right? So yahan pe to humne example hi bahut choti si li hai. So even then we have the benefit of 60,000 when I shift from first to third case. Ab jo mere paas bacha, usse bolenge profit available for shareholders. सारी पेमेंट हो गई, इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई, टैक्स की पेमेंट हो गई, जो बचा वो किनके लिए है, शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है? तो इसके आगे मैं लिखूंगी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। चार में से 120 माइनस किया 280, 3,00,000 में से 90 माइनस किया 210, 2 में से 60 माइनस किया 140। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, यू मे सेंड योर क्वेरी इन माय चैट बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड, एनी डाउट टू एनीवन फॉर एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू। अब स्टूडेंट्स अगला बात ध्यान से देखना, अब मैंने निकालना है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये पूरी अर्निंग शेयर होल्डर्स के लिए है 2,80,000। इसको मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूंगी। पहले केस में शेयर कैपिटल कितनी है, क्योंकि डिबेंचर्स नहीं है तो सारी की सारी क्या है, इक्विटी। मीन 30,00,000 की इक्विटी है रुपीज वाइज, और हर शेयर कितने का है, मैंने बताया था 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 3,00,000। 30,00,000 है, 30,00,000 को 10 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव 3,00,000। अब मैंने क्या करना है, इस 2,80,000 को 3,00,000 शेयर होल्डर्स में डिवाइड करना है। अब यहां पे शेयर होल्डर्स कितने हो गए, क्योंकि यहां पे इक्विटी कितनी है, 20,00,000 की। हर शेयर कितने का है, 10 रुपए का, 2,00,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए। यहाँ पे कितनी की इक्विटी है, 10,00,000 की। 10,00,000 को 10 से डिवाइड किया तो 1,00,000 इक्विटी शेयर होल्डर हो गए। अब मैंने क्या करना है, ईपीएस निकालना है, और इसको नंबर वन कह दो। ईपीएस इज इक्वल टू नंबर वन, ये वाला, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बुक में नहीं लिखा ये कहीं पे भी, आप लिखो फॉर्मूला। 2,80,000 को मैं डिवाइड का साइन आपके लिए बना रही हूं, इज टू बी डिवाइडेड विथ 3,00,000। 210 इज टू बी डिवाइडेड विथ 2,00,000। 140 इज टू बी डिवाइडेड विथ 1,00,000, क्योंकि यहां पे आपकी 10,00,000 की ही इक्विटी है। इसका तो सीधा आ जाएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 1 रुपी एंड 40 पैसा। ये बनेगा 2,10 को 2,00,000 से डिवाइड किया, 1 रुपी एंड 5 पैसा। इसमें 280 को 0 point something बनेगा, 280 को 3,00,000 से डिवाइड किया, 0.93। What you see, when you are not raising debenture, earning per share is only 93 पैसे। मान लो मेरे पास इस कंपनी के 1,000 शेयर हैं, तो 93 पैसे, I am just getting the benefit of 9,300। लेकिन अगर वो कंपनी अपनी शेयर कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर में 10,00,000 की इक्विटी छोड़ के डिबेंचर रेस करती है, तो हर शेयर के पीछे मेरे को फायदा कितना है, 1.05। और इसी कंपनी के मेरे पास 1,000 शेयर हैं, सो नाउ आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 10,500। कंपनी और ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करती है, 20,00,000 के डिबेंचर्स रखती है, क्योंकि कंपनी ऑप्टिमल सिचुएशन पे आ रही है। कंपनी कैन अफोर्ड टू हैव डिबेंचर्स डबल देन इक्विटी।
सो इन दैट केस वी विल बी हैविंग द मेरे पास 1000 अगर कंपनी के शेयर है तो आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 14,000 बैठे बिठाए, जो मेरा शेयर 10 रुपए का था अब 11 रुपए 40 पैसे में बिकेगा। अगर सेकेंड सिचुएशन पे है कंपनी तो अब मेरा शेयर 11 रुपए 5 पैसे में बिकेगा। अगर कंपनी फर्स्ट ही है डिबेंचर रेज ही नहीं करती तो 10 वाला शेयर 10 रुपए और 93 पैसे में बिकेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल अर्निंग पर शेयर। सो व्हाट वी सी एज एंड व्हेन वी इंक्रीज द कंटेंट ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी आर अर्निंग पर शेयर टेंड्स टू इंक्रीज। लेकिन इसके बाद अगर आप 20 की जगह 30 के 30 लाख के डेट रेज करते हो तो ये अर्निंग डाउन आनी शुरू हो जानी। सो हेयर ओनली टिल हेयर ओनली यू कैन हैव द पॉजिटिव बेनिफिट ऑफ योर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मीन्स इक्विटी के साथ डिबेंचर कितने रेज किए जाए कि आपका अर्निंग पर शेयर बढ़े। अब दिस वॉज अ केस ऑफ एक्स लिमिटेड। आई विल बी नाउ टेलिंग यू द केस ऑफ वाई लिमिटेड। सब कुछ सेम है वाई लिमिटेड में, लेकिन वाई लिमिटेड की अर्निंग पर शेयर ही हाफ है एक्स लिमिटेड के कंपैरिजन में। इसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख है। क्या वाई लिमिटेड को भी उसी तरह का बेनिफिट होगा जैसा एक्स लिमिटेड को हुआ है? मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा, बिकॉज अल्टीमेटली मैंने आपको सिखाया है आप डिबेंचर्स उतने ही रेस करना जितना आपका प्रॉफिट बेयर कर सके। यहाँ पे प्रॉफिट कम है, जैसे मैं अगर ये वाला केस लू 2 लाख प्रॉफिट है, 2 लाख में से 1 लाख तो आप क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट। तो बाकी बचा ही क्या? सिर्फ 1 लाख। अगर मैं थर्ड केस लू 4 की जगह 2 लाख है और 2 लाख का 2 लाख आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट अवेलेबल विद यू दैट हाउ मच डिबेंचर्स आर टू बी रेज। सो एवरी कंपनी विल नॉट बी हैविंग द सेम क्राइटेरिया टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, बिकॉज इट अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम एक्सेप्ट availability of profit. Y limited का profit X limited के comparison में half है भाई. Even then वो Y limited जो है X limited की policies ही follow कर रही है. So I will start this table now with 2 lakh. 2 lakh in all the 3 cases. 2 lakh. पहले केस में no interest क्योंकि सारा केस सेम रहना, क्योंकि पहले केस में आप डिबेंचर रेज ही नहीं कर रहे हो। दूसरे केस में आपने 10 लाख के डिबेंचर रेज करे तो 1 लाख इंटरेस्ट एज अर्लियर वी डिड, और सेकंड केस में आपने 20 लाख के डिबेंचर रेज करे 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 2 लाख का इंटरेस्ट आपने पे किया। अब आपके पास जो आया माइनस करने के बाद उसे हम क्या कहते हैं? अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। ये 2 लाख का 2 लाख ही रहा, ये 1 लाख और ये नील भाई अब तो 0 पे आ गए। जितना आप अर्न कर रहे हो सारे का सारा इंटरेस्ट दे रहे हो। किसने बोला था कि 20 लाख के डिबेंचर रेज करो? आपके पास तो प्रॉफिट ही नहीं है उन्हें इंटरेस्ट देने को। यू आर सफरिंग विद अ ह्यूज फाइनेंशियल रिस्क। थोड़ा सा प्रॉफिट हेर फेर हो जाए तो आप 2 लाख का इंटरेस्ट कहां से पे करोगे? सो ऑलवेज सी बिफोर रेजिंग मोर डिबेंचर्स एंड रेजिंग मोर बोरोइंग्स फ्रॉम द मार्केट व्हाट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन। तो क्या होने वाला है यहाँ पे? 2 लाख का 30% टैक्स कितना पे करोगे? 60,000। 1 लाख का 30% 30,000। जब है ही नहीं कुछ तो टैक्स पे ही नहीं होना। यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए 1,40 बचा, यहाँ पे शेयर होल्डर्स बेचारों के लिए सिर्फ 70,000, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। 140 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी शेयर्स हियर? 30 लाख की इक्विटी थी, 10 रुपए का एक शेयर था, तो वहां पे आप 1,40,000 को जब 3 लाख से डिवाइड करोगे यू विल गेट, इसे 3 लाख से डिवाइड करेंगे और दूसरे केस में इसे 2 लाख से डिवाइड करेंगे, अगला तो कुछ बचा ही नहीं ना। जब 1,40 को 3 लाख से डिवाइड किया यू विल गेट द अमाउंट 0.47, बहुत कम रिटर्न, और यहाँ पे यू विल जस्ट गेट 35 पैसे। अगर आप डिवेंचर नहीं रेस करते हो तो आपकी अर्निंग पर शेयर 47 पैसे है। अगर आप डिवेंचर रेस करते हो तो अर्निंग कम हो रही है। पहले केस में अर्निंग बढ़ रही थी, पहले 93 पैसे थी पर शेयर, फिर 1 रुपए 5 पैसे हो गई पर शेयर, एंड अल्टीमेटली वी वोंड अप दैट केस विद 1 रुपए 40 पैसे। लेकिन यहां पे उल्टा हो गया, योर अर्निंग पर शेयर इज कमिंग डाउन। सो इट इज नॉट ऑलवेज असेंशियल दैट वॉट एवर अदर कंपनी इज डूइंग सेम प्रोसीजर यू कैन फॉलो। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन। आप कितना अर्न कर रहे हो? वट इज द प्रॉफिट इन योर हैंड? वट इज योर कैश फ्लो पोजिशन? आर यू इन अ पोजिशन टू पे द इंटरेस्ट एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू? आपके पास इतना प्रॉफिट है कि आप अपने इंटरेस्ट की टाइम पे पेमेंट कर सकते हो? सो दिस थिंग यू हैव टू सी बिफोर
taking the final decision that how much debentures and how much equity is to be raised. I think that is enough for today. Kal main aapko Monday. We will discuss from these paragraphs ROI. That is rate on investment. और ये formula हमने plus one में अपने ratio analysis में किया हुआ है इसी class में accounts में EBIT divided by capital employed. So we will see what criteria you will be following before raising debt from the market. मैं कैसे decide करूँ कि मेरे को debt ज़्यादा raise करना चाहिए कि equity? For that I will be comparing my ROI with the cost of debt. So in its explanation he has mentioned these two cases. One is ROI and another is what? Second, मैंने क्या बोला? Cost of debt. Cost of debt is obvious. That is 10% interest we are paying on debentures. So that we are going to compare with ROI. That we will proceed on Monday, right? Monday we have the business studies period, and that period you people have with me, right? So that is enough for today. The rest of the things we will continue. कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बैक एक्सेस के क्वेश्चन आप देख सकते हो. मैंने इन्वेस्टिंग के भी दोनों केसेस करवा दिए हैं विद योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सो वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन योर बैक एक्सेस व्हिच यू कैन ट्राई, राइट?